हेलो गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू वी अनदर वीडियो गाइज। सो गाइज, आज हम कवर करने वाले अपने इंस्टाग्राम के रिसेंट फोटो के ट्यूटोरियल को, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। एंड गाइज, होता क्या है कि काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि हमारे पास लोकेशन अच्छी नहीं होती है, या फिर हमको मतलब कि मैनिपुलेट अपने इमेज को करना ही पड़ता है। एंड मैनिपुलेशन लवर हमारे चैनल पर बहुत सारे रहते हैं, मुझे पता है मैनिपुलेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग रहते हैं। एंड होता क्या है कि हमारी मैनिपुलेशन जब तक रियलिस्टिक ना लगे तब तक मज़ा नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं अपने फोटो को जो मैंने मैनिपुलेट किया था, तो उसको हम करेंगे एकदम रियलिस्टिक तरीके से। सारी कलर ग्रेडिंग जो भी चीज़ें होंगी वो एकदम रियलिस्टिक तरीके से करेंगे एंड आपके नॉर्मल इमेज को एकदम रियलिस्टिक कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स डू इट। ओके गाइज, तो मैनिपुलेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने एक सिंपल सा इमेज ओपन है, बस आपको कोई भी एक रैंडम इमेज उठाना है जिसका साइज इस टाइप का हो, एंड उसके बाद बस आपको मैनिपुलेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमको बैकग्राउंड में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है, उसके बाद हम अपनी एडिटिंग को कंप्लीट करेंगे। तो इस इमेज को मैंने बस सिंपली से उठा लिया एंड पिक्सेल प्रो में मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज़ को हमने चूज़ कर लिया, देन इसके बाद ये हमारा इमेज ओपन हो गया। तो आपको कोई भी इमेज बस ले लेना है एंड ओपन कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको चलना है इफेक्ट ऑप्शन में एंड इंसर्ट पिक्चर में, जो मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस आपको उसे उठाना है एंड बैकग्राउंड होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। इस बैकग्राउंड को उठाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से इसको ऐसे सेट कर देना है, ठीक है। बस सिंपल सा ये स्टेप है, देन इसके बाद राइट पर क्लिक करना है, नो कर देना है, ओके। दूसरा स्टेप है, दूसरे एक इमेज को लेना है, इंसर्ट पिक्चर में चलते हैं एंड इसके बाद ये रहा दूसरा इमेज, स्काई का इमेज, ठीक है। इस इमेज को बस आपको जूम करना है कुछ इस टाइप से, जूम करने के बाद राइट पर क्लिक करना है एंड राइट पर क्लिक करने के बाद हमको क्या करना होगा, यहाँ से इरेजर पर हम क्लिक करेंगे एंड सॉफ्ट इरेजर को चूज़ करेंगे, देन इसके बाद इस बैकग्राउंड से स्काई को मर्ज कर देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। ओके गाइज, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं राइट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से नो कर दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारा जो अगला स्टेप है इसमें हमको चलना है इफेक्ट ऑप्शन में एंड सीधे यहाँ पर चलते हैं हम नीचे एंड यहाँ से आपको ग्रे स्केल को चूज़ कर लेना है एंड राइट पर क्लिक कर देना है, सारी सैचुरेशन आपकी इमेज की निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा जो अगला स्टेप है इसको करने के लिए हम चलते हैं एक्सपोर्ट में एंड इस इमेज को हम कर लेते हैं एक बार सेव, सेव पिक्चर्स टू एल्बम एंड पिक्सेल प्रो, सेव करेंगे इसको। एंड सेव करने के बाद अब हमको क्या करना है, स्नैपशीट ओपन करना है एंड वहाँ पर इसमें फोकस करना है एंड ब्लर कर देना है बैकग्राउंड को। हम यहाँ पर भी कर सकते हैं ब्लर, लेकिन यहाँ पर लेंस ब्लर नहीं होता है, लेंस ब्लर हमको मिलेगा स्नैपशीट में, तो वहाँ पर हम इसको ब्लर कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइज, तो स्नैपशीट में हम आ चुके हैं, यहाँ से हमको करना है सिंपली से ओपन एंड ओपन करने के बाद जो अभी हमने इमेज को सेव किया था इस इमेज को हमको ओपन करना है एंड जाना है पेंसिल वाले आइकन में एंड सबसे नीचे जाने के बाद आपको मिलेगा लेंस ब्लर का ऑप्शन एंड इस ऑप्शन में आने के बाद बस आपको इस सर्कल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है एंड पिंच करना है एंड पिंच करने के बाद जहाँ पर हम खड़े होने वाले हैं वहाँ पर आपको इसका फोकस सेट कर देना है ज़मीन पर कुछ इस टाइप से एंड इसकी विग्नेट को आप कर देना कम, देन इसके बाद बस आपको क्या करना है राइट पर क्लिक करना है एंड इमेज को कर लेना है आपको सेव, ठीक है। यहाँ से जाएंगे एंड इसको कर लेंगे सेव, ओके। एंड अब चलते हैं वापस से पिक्सेल प्रो के अंदर। ओके गाइज, तो पिक्सेल प्रो के अंदर वापस आने के बाद आपको इफेक्ट ऑप्शन में जाना है, इंसर्ट पिक्चर में जाना है, जो अभी हमारी स्नैपशीट में सेव हुई होगी इमेज उसको बस सिंपली से लाना है एंड लाने के बाद राइट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से कर देना है नो, उसके बाद आपका इमेज यहाँ पर सेट हो गया। अब बारी है हमारे इमेज को लेकर आने की एंड उसको एडजस्ट करने की, ठीक है। तो अब लेकर आते हैं हम अपने इमेज को एंड यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एंड गाइज, यहाँ पर ये एडजस्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ पर ये ध्यान दे सकते हैं मैंने क्या किया, जहाँ पर ओरिजिनल जो शेडोज़ थी उन्हीं शेडोज़ को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब जो हमारा सिंपल सा स्टेप जो रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि हमारे जो इमेज में जो शेडो है उसके अंदर सेचुरेशन है और बैकग्राउंड में सेचुरेशन हम निकाल चुके हैं। तो बस आपको चलना है एडजस्ट ऑप्शन में एंड जाना है पेंट मास्क एंड सिलेक्शन में एंड इसको जूम करना है एंड हमारे शेडोज़ में से उसकी सैचुरेशन को हम निकालने वाले हैं। तो बस सिंपली से हम सेलेक्ट करेंगे, एरो पर जाएंगे एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड माइनस कर देंगे, देन उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी जो शेडो है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुकी है, ठीक है। अब राइट पर क्लिक करेंगे हम सिंपली से एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे, ठीक है। एडजस्ट ऑप्शन में चलेंगे एंड ब्लर में चलेंगे, ब्लर में जाने के बाद हल्का सा ब्लर को बढ़ा देते हैं
एंड ब्लर बढ़ाने के बाद आपको क्या करना होगा, इस इमेज को एक बार सेव करना होगा। एंड सेव करने के बाद यहाँ से अंडू करना है आपको, एंड उसके बाद सेव किए हुए इमेज को आपको उठा कर लाना है, ठीक है। एंड राइट पर क्लिक करना है एंड पूरे बैकग्राउंड में से इसको निकाल देना है, पहले इरेज कर लेना है पूरे पे से। एंड उसके बाद जूम करना है अपने इमेज को, इसके बाद गाइस सिंपली हमको राइट पर क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ से कर लेते हैं सेव। एंड जो मेन वर्क है हमारा वो होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज इसमें जब टोन्स ऐड हो गई तब उसके बाद ये हमारा फाइनल इमेज रेडी होगा एंड देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो अब हम चलते हैं लाइटरूम में, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो हमारा इमेज हो चुका है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन। यहाँ पर सबसे पहले हमको करना है अपने इमेज को क्रॉप, तो क्रॉप करने के लिए सिंपली से यहाँ पर अनलॉक पर क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद गाइस को क्या करना है, साइड से क्रॉप करना है एंड ऊपर से इतना क्रॉप कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड राइट पर क्लिक कर देना है एंड अब बारी है हमारी टोन्स को ऐड करने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइटिंग्स में चलते हैं। लाइटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले हम शेडोज़ को बढ़ा लेते हैं ताकि हमारी जो शेडोज़ हैं वो एकदम अच्छे से दिख जाए हमको। एंड इसके बाद क्या करते हैं, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेते हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले हम चलते हैं इस सेलेक्टिव ऑप्शन में, प्लस के आइकन में जाएंगे एंड सर्कल को चूज़ करेंगे। सर्कल चूज़ करने के बाद आपको अपने आप को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको जाना है लाइटिंग्स में एंड इसके एक्सपोजर को हल्का सा कम कर देना है एंड कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा लेना है एंड चाहे तो यहाँ से आपको क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आप राइट पर क्लिक करें एंड अभी आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, अभी से काफ़ी हमारा फ़र्क आ चुका है हमारे इमेज में। देन इसके बाद हम चलेंगे इसमें टोन्स ऐड करेंगे, तो हम चलते हैं स्प्लिट टोन में। देन इसके बाद यहाँ से हाईलाइट्स में हम डालेंगे ये वाली टोन, थोड़ी सी वार्म टोन येलो। एंड देन इसके बाद शेडोज़ में डालेंगे हम डार्क ब्लू स्टोन, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देन ये डालने के बाद गाइज हम फिर से चलते हैं इस ऑप्शन में सिलेक्टिव में एंड अब सर्कल को चूज़ करने के बाद पीछे बैकग्राउंड में कुछ इस टाइप से हमको ये इतना एरिया सिलेक्ट करना होगा, कुछ इस टाइप से। सर्कल को हल्का सा बड़ा कर लेते हैं। देन सेलेक्ट करने के बाद गाइज हमको क्या करना है, इसके एक्सपोजर को बढ़ाना है पहले। एक्सपोजर बढ़ाने के बाद हमको जाना है यहाँ पर कलर्स ऑप्शन में एंड यहाँ पर हमको येलो स्टोन डाल देनी है, ठीक है, एंड राइट पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद अगेन हम सेलेक्टिव ऑप्शन में ही चलते हैं एंड यहाँ से नीचे के एरिया को सिलेक्ट करेंगे पहले, कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ का करेंगे एक्सपोजर हल्का सा कम। एक्सपोजर कम करने के बाद आप यहाँ की क्लैरिटी को बढ़ा दीजिएगा एंड यहां से कर दीजिएगा राइट पर क्लिक। अब इसके बाद गाइस हमको क्या करना है, हम चलते हैं लाइटिंग ऑप्शन में एंड यहां से कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा और बढ़ा लेते हैं, कुछ इस टाइप से। देन इसके बाद हम चलेंगे कलर ऑप्शन में जिसमें कि हमको अपनी स्किन की ल्यूमिनेंस को बढ़ाना है, कुछ इस टाइप से, एंड रेड टोन में सैचुरेशन इसकी बढ़ा सकते हैं आप एंड यहाँ से कर दीजिएगा डन। डन करने के बाद अभी आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर हमारे इमेज में काफ़ी अच्छे अच्छे टोन्स ऐड हो चुके हैं एंड हमारा इमेज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आई होप गाइज कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना एंड ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।